दुनिया में काफी लोग ऐसे थे जिन्होंने अपने जमाने में कुछ अनोखे चीजों का आविष्कार किया, जिस कारण दुनिया में और हमारे लाइफस्टाइल में काफी चेंजेस हुए। सिर्फ कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जिनमें कुछ अलग करने का टैलेंट होता है। ऐसे कुछ साइंटिस्ट के बारे में आप जानते होंगे, जैसे थॉमस एडिसन, ग्राहम बेल, अल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे कई ग्रेट साइंटिस्ट ने अपने वक्त में अनोखे आविष्कार किए। इनके द्वारा बनाए गए चीजों का इस्तेमाल हम आज के वक्त में करते हैं। जैसे आजकल गैजेट्स और मोबाइल एप्लीकेशंस के कारण हमारे काफी काम इजी हो गए हैं। कुछ एप्लीकेशंस हमारे रोज के जीवन में काफी यूजफुल होते हैं, इसलिए हम उस पर डिपेंडेंट रह जाते हैं। जैसे कि आपको कोई अनजान जगह पर रास्ता ढूंढना हो तो अभी GPS की मदद से हम ढूंढते हैं। पर क्या आप जानते हैं GPS का आविष्कार किसने किया था? GPS मॉडर्न लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गया है, जिसका इस्तेमाल हम कार, शिप्स, एयरप्लेन्स, कैमरास, लैपटॉप्स और हाँ स्मार्टफोन्स में करते हैं। GPS टेक्नोलॉजी इतने सारे चीजों में इस्तेमाल होता है, लेकिन इस रिवॉल्यूशनरी टेक्नोलॉजी का आविष्कार करने में चार लोगों ने अपना योगदान दिया है, जिसको बाद में US के डिफेंस डिपार्टमेंट ने मिलिट्री फोर्सेस को असिस्ट करने के लिए डेवलप किया। तो आज हम इस वीडियो से जानते हैं कौन से चार व्यक्तियों ने हमारे जीवन में इस्तेमाल होने वाले GPS का आविष्कार किया। लेकिन अब शुरू करने से पहले हमारे चैनल से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल आस्काय गुरु को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रॉगर ईस्टर नेवल रिसर्च लेबोरेटरी के फॉर्मर हेड थे, जिन्होंने काफी सारे इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस और टेक्नोलॉजीज का आविष्कार किया था। इनके काफी रिसर्च वर्क के कारण GPS का डेवलपमेंट संभव हुआ। इस साइंटिस्ट ने एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट डेवलप किया जो GPS में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। वो कॉन्सेप्ट है टाइम बेस्ड नेविगेशनल कॉन्सेप्ट, जिसे शॉर्ट में टीमेशन कहते हैं। इस कॉन्सेप्ट को डेवलप करने में यूटिलाइज्ड पैसिव रेंजिंग, सर्कुलर ऑर्बिट्स और स्पेस बॉर्न हाई प्रेसिजन क्लॉक्स का इस्तेमाल मास्टर क्लॉक के लिए किया जाता है। मॉडर्न GPS में भी ये सारे फीचर्स काफी इम्पोर्टेंट हैं। साल 2004 में रॉगर ईस्टर्न को यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के लिए नेशनल मेडल मिला। ईस्टर्न ने GPS कॉन्सेप्ट का जो इन्वेंशन किया था उस पे आगे और डेवलपमेंट करने के लिए और दो लोगों ने अपना योगदान दिया। तो देखते हैं अब इन लोगों ने GPS का आगे डेवलपमेंट कैसे किया। आइवन गेटी नेवी फोर्स ने पहले से ही एक बहुत अच्छी स्पेस नेविगेशन सिस्टम इन्वेंट की थी, पर जब GPS कॉन्सेप्ट को डिफेंस डिपार्टमेंट के सामने रखा गया तब डॉक्टर गेटिंग ने कहा कि एक सिंगल सिस्टम की जरूरत है जो एयरफोर्स और एरियोस्पेस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद डॉक्टर गेटिंग ने GPS कॉन्सेप्ट को आगे डेवलप करते हुए थ्री डायमेंशनल टाइम डिफरेंस ऑफ अराइवल और नेविगेशन के लिए पोजीशन फाइंडिंग सिस्टम की खोज की। ब्रैडफोर्ड पार्किंसन जो एयरफोर्स के कर्नल थे, उन्होंने स्पेस एंड मिसाइल सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम के दौरान ऑल्टीट्यूड, लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड नेविगेशन के लिए खोज की गई, ताकि किसी भी जगह से GPS से लोकेशन ट्रैक हो सके, जिसके लिए GPS टेक्नोलॉजी में ऑल्टीट्यूड, लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड की जरूरत थी। इसके बिना GPS का कोई मतलब नहीं रहता, इसलिए पार्किंसन को फादर ऑफ GPS भी कहते हैं। डॉक्टर ग्लैडिस वेस्ट GPS का कॉन्सेप्ट रेडी करने से लेके GPS में ज्योग्राफिकल फीचर्स के सहारे लोकेशन ट्रैक करना हो गया था, पर GPS में हमें लोकेशन कितना दूर है उसकी इंफॉर्मेशन भी देता है। तो इस लोकेशन कैलकुलेशन में डॉक्टर ग्लैडी वेस्ट ने अपना योगदान दिया था। यूनाइटेड स्टेट्स के नेवल वेपन्स लेबोरेटरी में काम करते थे और इनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैथमेटिक्स था, इसलिए उन्होंने मैथमेटिक्स की मदद से सैटेलाइट से डेटा प्रोसेसिंग करके GPS में एग्जैक्ट लोकेशन फाइंड करने का फीचर डेवलप किया। मैथमेटिक्स के स्कॉलर होने के कारण नंबर्स को उल्टा घुमाना और सैटेलाइट से डेटा प्रोसेस करना इनके लिए मुश्किल काम नहीं था, इसलिए आज हम गूगल मैप GPS के कारण एग्जैक्ट लोकेशन कितना दूर है उसका पता चलता है। तो इस तरह से सबके थोड़े योगदान और एफर्ट से GPS टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट पूरा हुआ।
और आज हम इसका इस्तेमाल काफी आसानी से कर सकते हैं। आज के वक्त में 32 ऑपरेशनल GPS सैटेलाइट्स हैं, जिसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आपके इस वीडियो पे क्या व्यूज है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। अगले वीडियो तक अलविदा दोस्तों।